जैन दोस्तों, 2022 Hyundai Venue facelift has started reaching dealerships and साथ ही साथ इसकी ऑफिशियली बुकिंग्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं एंड काफ़ी डिटेल्स जो हैं सामने आई हैं इस व्हीकल के बारे में, जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो अब अगर हम इसकी लुक्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं रियल लाइफ लुक्स ऑफ द व्हीकल। ये है इसका फेरी रेड कलर, जो कि अभी हमें प्रीवियसली भी देखने को मिलता था इन द प्री फेसलिफ्ट Hyundai Venue। एंड आप देख सकते हैं इसमें हमें रेयर में कनेक्टिंग LED टेल लैंप देखने मिलेंगे, विच लुक क्वाइट गुड। एंड उसी के नीचे आपको रिवाइज बम्पर देखने मिलता है विद दिस ब्लैक फिनिश, ब्लैक रगेड फिनिश एंड रिफ्लेक्टर्स के साथ साथ आपको इसमें रिवर्स लाइट्स भी देखने मिल जाती है। उसी के नीचे मैसिव सी स्किड प्लेट इन द रेयर आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट के बारे में बात करें तो फ्रंट में भी आपको ब्लैक फिनिश काफ़ी देखने को मिलता है नियर द अपर टर्न सिग्नल्स ऑफ द व्हीकल, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको नया ग्रिल का डिज़ाइन भी देखने को मिलता है, जिसको पैरामेट्रिक ग्रिल डिज़ाइन बोलता है Hyundai अपनी तरफ से, एंड इट इज़ काइंड ऑफ बोरोड फ्रॉम द Hyundai Tucson, जिसका लॉन्च काफ़ी जल्द होने वाला है भारत में। मे बी Venue के बाद वही लॉन्च होने वाली है भारत में। एंड उसी के नीचे आप देख सकते हैं, अब ये अगर फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो इसके सामने भी आपको मैसिव सा जो है एक टाइप से स्किड प्लेट देखने को मिल जाता है। ये है कुछ चेंजेस फ्रॉम द फ्रंट एंड द रेयर ऑफ द व्हीकल। ओवरऑल व्हीकल की जो शेप एंड डायमेंशन हैं सेम रहती हैं। साइड में आपको नए अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। जी हाँ, सिर्फ आपको एक्सटीरियर में इतना ही डिफरेंस देखने को मिलता है, एज दिस इज अ फेसलिफ्ट नॉट अ न्यू जनरेशन ऑफ द 2022 Hyundai Venue। अब एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर भी लीक हुआ है, तो इंटीरियर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ब्लैक एंड आइवरी थीम के साथ आने वाला है इसका इंटीरियर जो है। एंड अब ये थोड़ा मुझे, इन माई पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट लाइक दिस इंटीरियर, आई वुड प्रेफर द ऑल ब्लैक इंटीरियर, जो कि मेरी खुद की Venue का रहता है S प्लस वेरियंट में। अभी S प्लस में ही क्या, सारे वेरियंट्स जितने भी आते थे Venue के अभी वाले प्रीवियस वाले, तो उनमें तो ऑल ब्लैक इंटीरियर ही आता था। सो आई प्रेफर दैट मोर इंस्टेड ऑफ दिस आइवरी एंड ब्लैक फिनिश। तो इसमें आपको सीट अपोस्ट्री भी आइवरी एंड ब्लैक में ही देखने को मिलेगी। एंड वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग वेंटिलेटेड सीट्स इन द व्हीकल, हालांकि वो अभी इंस्पायर शॉट से कन्फर्म नहीं हो पाई है मेरे से। बट इस व्हीकल में जो आपको इंटीरियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं वो है इसका नया कलर ऑप्शन इंटीरियर में, एंड साथ ही साथ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फॉर द टॉप एंड वेरिएंट, जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी टच स्क्रीन हो जाएगी, अब 8 इंच की जगह आपको इसमें 10 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलेगी विद अ लॉट ऑफ कनेक्टेड फीचर्स। 60+ ब्लूलिंक में आपको इसमें फीचर्स देखने को मिलेंगे विद फर्मवेयर ओवर द एयर अपडेट्स एज वेल। एंड इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है नाउ विल सपोर्ट 12 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग 10 रीजनल लैंग्वेजेस, जो कि रहेंगी मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, कन्नड़, हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगू एंड ओडिया। साथ ही साथ इसमें आपको अलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट कैपेबिलिटी भी देखने को मिलती है, यानी कि होम टू कार कैपेबिलिटी, जिससे आप अपनी अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट से पूछ सकते हैं काफ़ी चीज़ें अबाउट द व्हीकल। लाइक इन दिस टीजर दे हैव डेमोंस्ट्रेटेड, बट मैं उसका साउंड नहीं चलाऊंगा। सो इसमें आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी विद दिस होम टू कार कनेक्टिविटी, दैट विल बी रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट डोर लॉक अनलॉक, रिमोट व्हीकल स्टेटस चेक, फाइंड माय कार, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, फ्यूल लेवल इन्फॉर्मेशन, स्पीड अलर्ट, टाइम फेंसिंग, आउट ऑफ टाइम अलर्ट एंड आइडल टाइम अलर्ट, जैसे कुछ फीचर्स जो हैं इस व्हीकल में आपको देखने को मिल जाएंगे। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में इसमें हम बोस का म्यूजिक सिस्टम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी एम्बिएंट लाइटिंग कुड ऑल्सो बी ऑफर्ड इन दिस व्हीकल, ऑफकोर्स सनरूफ तो ऑफर कर ही जाएगी। एंड साथ ही साथ इसमें हम 360 डिग्री कैमरा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट्स एंड अ वायरलेस चार्जिंग सिस्टम एज वेल। सेफ्टी वाइज बात करें तो 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाई स्पीड अलर्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, रेयर पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, EBD एंड ESC भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस व्हीकल। अब अगर मैं इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करूँ तो इंजन ऑप्शंस इस व्हीकल में जो ऑफर करे जाएंगे दैट विल बी द सेम एज बिफोर, जो कि रहेंगे 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल एंड 1.5 लीटर का U2 CRDI डीजल इंजन, जो कि ट्रांसमिशन ऑप्शंस रहेंगे आपको 1.2 वाले के साथ मिलेगी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, एंड जो आपको टर्बो वाला इंजन देखने को मिलेगा दैट विल ऑफर अ 6 स्पीड मैनुअल एंड अ 6 स्पीड क्लचलेस IMT एज वेल एज अ 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स। एंड साथ ही साथ 1.5 लीटर वाले CRDI में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अ 6 स्पीड मैनुअल एंड अ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर
automatic transmission as well. CNG is also expected to be brought with the 2022 Hyundai Venue. वो at a later stage में भी launch करे Hyundai, but अभी के लिए जो engine options रहने वाले हैं वो ये वाले ही देखने को मिलेंगे as I told you before. And एक और interior के feature के बारे में बात करूँ मैं जो कि नया रहने वाले इस vehicle में, that will be two step recline for the rear seats. जी हाँ, अब rear seats जो हैं two step recline के साथ आएंगी. I'm not sure about के ये जो feature है ये सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में मिलेगा कि आपको सारे वेरिएंट्स में मिलेगा. सो जैसे ही लॉन्च होगी आई विल मेक श्योर टू क्लैरिफाई ऑल दीज थिंग्स फॉर यू गाइस. आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर टू द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप मेरी इस इंटरेस्टिंग वीडियोज पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें. मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.